हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे सब? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोफस सॉलिड. नाउ व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड व्हाट इज एमोफस सॉलिड? वी हैव एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. यू नो दैट NaCl, राइट? NaCl, व्हाट इज NaCl? NaCl कैसा होता है हमारा, देखिए हमने. It is example of what? Crystalline solid. If you see diamond is an example of what? Crystalline solid. अगर आप देखेंगे quartz जो होता है वो भी क्या है, example है crystalline solid का. If you see graphite और plastic और glass, these are example of what? Amorphous solid, right? So let's start our topic, distinguish between crystalline solid amorphous solid, right? एग्जाम में मे बी क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या बोलेगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोफस सॉलिड जो है हम लोग क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, राइट? तो दो अलग अलग सेपरेटली आ सकता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड 2 मार्क के एक्सप्लेन करो, एमोफस सॉलिड 2 मार्क के एक्सप्लेन करो. सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट जो है शेप है. शेप मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड का शेप कैसे होता है, तो अगर हम लोग देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, हम लोग ने देखा होगा कैसा होता है शेप, उसका फिक्स होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड. NaCl देखा है हमने, NaCl का क्रिस्टल क्रिस्टल कैसा होता है, शार्प होता है, राइट? NaCl का क्रिस्टल कैसा होता है, शार्प होता है, एक पर्टिकुलर शेप हम लोग को दिखता है, 3D शेप दिखता है, राइट? कैसे दिखता है, क्यों दिखता है हम लोग 3D शेप? बिकॉज उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है, वो अरेंजमेंट क्या है हमारा, वो ऑर्डरली लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट है. मतलब क्या होगा, एक ही टाइप का अरेंजमेंट जो है लॉन्ग रेंज सेम टाइप का है, बिकॉज ऑफ दैट एक पर्टिकुलर शेप हम लोग को मिल रहा है. इफ यू सी दैट लाइक दिस, राइट? अगर एक अनायन है, एक कटायन है, एक अनायन है, एक कटायन है, एक अनायन, तो हम लोग को पूरा लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट यही मिलेगा. अगर दो अनायन के बाजू में एक कटायन है इस तरह से, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो हमारे पास लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट यही मिलेगा. समझा हम लोग को? नाउ यहाँ पर इफ यू सी दिस शेप ओवर हियर, अगर हम लोग यहाँ पे शेप देखेंगे, तो यहाँ पे शेप कैसा है, इरेगुलर ऐसा शेप है हमारा, इरेगुलर शेप होता है. इरेगुलर मतलब क्या होता है, मतलब हम लोग ने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्या उसका नाम, तो हम लोग देखेंगे जैसे कि टेलकम पाउडर, तो टेलकम पाउडर में हम लोग देखेंगे, तो टेलकम पाउडर में पाउडर जो होता है वो क्या होता है, कोई शेप का होता है क्या? नहीं, कोई शेप का नहीं होता. बट नमक NaCl को कितना बारीक कर लो, बारीक करने के बाद उसका पार्टिकल उठाएंगे, उसको जूम करेंगे, तो यू विल सी दैट इट हैज अ 3D शेप, राइट ना? 3D शेप है उसके पास, राइट? नाउ व्हाई यहाँ पर इरेगुलर शेप क्यों है, बिकॉज हियर द अरेंजमेंट इज नॉट ऑर्डरली अरेंज, राइट ना? ऑर्डर मैनर में अरेंज नहीं है, राइट? और वी कैन से दैट इट हैज शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट. क्या है इसका, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट है, मतलब ऑर्डर अरेंजमेंट है, अगर वो ऑर्डर अरेंजमेंट क्या है, शॉर्ट रेंज है. मतलब पहले एग्जांपल यहाँ पे ये अरेंजमेंट है, दो अनायन एक कटायन, फिर एक अनायन एक कटायन, फिर तीन अनायन एक कटायन, मतलब ऑर्डर है, कुछ अरेंजमेंट है, बट वो अरेंजमेंट क्या है, लॉन्ग रेंज नहीं है, थोड़ी थोड़ी जगह पे, इतनी जगह पे, इतनी जगह पे फिक्स है, राइट ना? तो थोड़ी ऑर्डरली अरेंजमेंट जो है वो शॉर्ट रेंज है, और शॉर्ट रेंज होने की वजह से क्या है, इसका शेप जो है पर्टिकुलर शेप नहीं मिलता, राइट? इरेगुलर शेप मिलता. देन नेक्स्ट जो है हम लोग बात करेंगे, तो नेचर ऑफ द सॉलिड जो है यहाँ पर क्या होता है, इसका ट्रू सॉलिड कहलाता है. ये क्या है, ट्रू सॉलिड मतलब रियल सॉलिड यही है. क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं रियल सॉलिड होते हैं, बाकी एमोफस सॉलिड जो है रियल सॉलिड नहीं होते, वो एक्चुअल में उसको बोलते हैं हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड. क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड. इसीलिए उसका नाम क्या है, वो एक्चुअल में लिक्विड है. ये माना जाता है साइंस में कि वो एक लिक्विड है जो कि कूल्ड फॉर्म में है, और वो क्या है हमारा, मतलब सॉलिड दिख रहा है, रियल में वो लिक्विड है, राइट ना? इफ यू सी दिस नेचर की बात करेंगे, यहाँ पे ट्रू सॉलिड मतलब ये रियल सॉलिड है. रियल सॉलिड मतलब क्या, सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि वो बहता नहीं है, फ्लो नहीं होता. सॉलिड की प्रॉपर्टी उठा लो और चेक करो, तो मैं बोलता फ्लोइंग की प्रॉपर्टी, तो बहता नहीं है. मैं मतलब एग्जांपल मैंने ये मैंने प्लास्टिक लिया, तो ये प्लास्टिक को मैं कई सालों तक, 20 साल तक अगर ऐसा रखूंगा उल्टा लटका के, तो ये बहेगा नहीं, मतलब ये सब थिकनेस में फर्क नहीं आएगा. बट इफ यू सी ग्लास, ग्लास इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एमोफस सॉलिड. एमोफस सॉलिड इफ यू सी ना, तो क्या होगा, अगर मैं 20 साल तक मैं ग्लास को ऐसे ही रखता हूँ, राइट ना? तो ऊपर का हिस्सा क्या होगा, 20 साल के बाद मैंने मेजर करके किया था, पहले 2 मिली कुछ पर्टिकुलर थिकनेस थी, 5 मिलीमीटर की थिकनेस थी.
अब क्या होगा, ग्लास की थिकनेस 5 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर की थी या फिर 0.5 मिलीमीटर बोलो, वॉट एवर जो भी बोलना है, तो 5 मिलीमीटर अगर संडे तो ये थी मेरी थिकनेस थी। वो अगर मैं बात करता हूँ कि इसका 20 साल के बाद अगर मैं ग्लास को देखूंगा तो क्या होगा, ऊपर की थिकनेस 3 मिलीमीटर हो जाएगी, नीचे की थिकनेस 7 मिलीमीटर हो जाएगी। क्या हो गया, यहाँ पर ऊपर की थिकनेस कम हो गई और नीचे की ज़्यादा हो गई, मतलब नीचे ऊपर से नीचे जो है ग्लास फ्लो किया, बहुत स्लोली किया मगर फ्लो किया। और फ्लो कौन करता है, लिक्विड करता है, इसीलिए बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, सुपर कूल लिक्विड होते हैं, इसलिए वो स्यूडो सॉलिड कराते हैं, मतलब लोग रियल में सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड है मगर वो सॉलिड दिख रहे हैं। उसके बाद क्रिस्टलाइन समय जो होते हैं वो क्या होते हैं, एनिज़ोट्रॉपिक होते हैं, ऐसे होते हैं एनिज़ोट्रॉपिक। हम लोग उसके बाद देखेंगे एनिज़ोट्रॉपिक क्या होता है, एनिज़ोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या होता है हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एनिज़ोट्रॉपिक होते हैं, और एमोफस सॉलिड क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। ये क्या होता है हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले, मतलब इसके बाद ये खत्म होने का, ठीक है, इसको ऐसे याद रखो। नेक्स्ट हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनाइट, ऑब्वियसली इसकी ज्योमेट्री 3D है, एकदम पार्टिकुलर फिक्स ज्योमेट्री है, और फिक्स ज्योमेट्री होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो शेप होता है वो क्या होता है, डेफिनाइट होता है। डेफिनाइट शेप होने की वजह से शेप एकदम फिक्स है, ज्योमेट्री मतलब अरेंजमेंट, ऑर्डरली अरेंजमेंट भी एकदम परफेक्ट है, जो ही है जो अरेंजमेंट ऑर्डर एक ही ऑर्डर अरेंजमेंट है। तो इसके वजह से क्या होता है, इसका जो हीट ऑफ फ्यूजन है, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, हीट ऑफ फ्यूजन मतलब दैट हीट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ सब्सटेंस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनाने में जो हीट रिक्वायर होती है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पर हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, डेफिनेट होगा, फिक्स रहेगा, बिकॉज यहाँ पे अरेंजमेंट जो है ऑर्डरली नहीं है, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट नहीं है, इसीलिए ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होने के से कोई शेप भी नहीं है, और शेप नहीं है तो यहाँ पर फिक्स शेप नहीं होने के से इसकी जो इसका जो हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, डेफिनेट नहीं है, नॉट डेफिनेट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, एग्जाम्पल अगर बेंजोइक एसिड मैंने लिया, बेंजोइक एसिड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, किसका, हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है, तो बेंजोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 122 है, कितना है, 122 डिग्री सेल्सियस। तो 122 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होगा, हमारा बेंजोइक एसिड 122 पे ही मेल्ट होगा, ऐसा कुछ भी कभी नहीं हो सकता कि बेंजोइक एसिड 122 की जगह 123 पे क्या होगा, मेल्ट होगा, या 121 पे होगा, कभी नहीं होगा। हाँ, कंडीशन चेंज हो जाएंगी तो हो सकता है कि हमारी जो है, अगर मेरा रूम का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और टेम्परेचर जो है वो फिक्स है, तो अगर फिक्स टेम्परेचर फिक्स हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, जो है वही रहेगा, मतलब 122 है तो 122 पे रहेगा, ना 22 से ज़्यादा होगा यार, ना 22 से 122 से कम होगा, ठीक है। तो ये हीट ऑफ फ्यूजन क्या है यहाँ पर, डेफिनेट। यहाँ पर हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, इनडेफिनाइट होता है, नॉट डेफिनेट, मतलब क्या है, अगेन वही कि यहाँ पर ये क्या होता है हमारा, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर शार्प होता है, यहाँ पर शार्प नहीं होता, मतलब कोई भी, मतलब आज 122 पर आया तो हो सकता है को, मतलब मिलेगा ही भाई, मतलब मेल्टिंग पॉइंट इससे मिलते ही नहीं है, जल जाता है ज़्यादातर चीज़ें, ये क्या होती है, जल जाती है, हम लोग को मेल्टिंग पॉइंट इसके शार्प नहीं मिलते ही नहीं है, जितने भी मतलब एग्जैक्टली नहीं आएगा, समझ में हम लोगों को, नॉट शार्प। नेक्स्ट है क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर मैं शार्प नाइफ लेके अगर कट करता हूँ, देन क्या होगा, ये स्प्लिट होता है कितने, दो पार्ट में होगा, और जो पार्ट मिलेगी वो क्या होते हैं, हम लोगों को प्लेन पार्ट्स मिलेंगे, कैसे मिलेगी, प्लेन मिलेगी, एकदम प्लेन सरफेस मिलेगी, समझे हम लोगों, और प्लेन सरफेस मिलेंगे तो क्या होगा, समझ में आया हम लोगों को, क्लियर है, यहाँ पर तो प्लेन सरफेस मिलेगी, यहाँ पर इसकी बात करते हैं और स्मूथ सरफेस मिलेगी। बट यहाँ पर अगर बात करेंगे इसकी एमोफस सॉलिड की, तो एमोफस सॉलिड में क्या होता है, वो क्लीवेज होता है दो पार्ट में, और दोनों पार्ट के सरफेस क्या होंगे, प्लेन नहीं होते, इनरेगुलर होते हैं, मतलब क्या होगा, हम लोग को प्लेन नहीं आएगा, कट बराबर हो जाएगा मगर दो में, मगर वो रेगुलर नहीं रहेगी, इरेगुलर शेप में आएगी, क्लियर हम लोग को। नेक्स्ट पॉइंट स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली यहाँ पे अरेंजमेंट कॉम्पैक्ट है, एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट है, परफेक्ट एटम्स का अरेंजमेंट परफेक्ट है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर स्टेबिलिटी कहेंगे, मोस्ट स्टेबल कोई भी इंसान, एग्जाम्पल के एक बेंच पे अपन ट्रेन में जाते ना, ट्रेन में 3 की सीट होती है, 3 लोग बैठेंगे तो ऑब्वियसली वो आराम से कंफर्टेबली बैठ के जाएंगे, स्टेबिलिटी कोई परेशानी नहीं होती, कि परेशानी नहीं होगी, मगर अगर 3 की जगह मैं 4 को बिठाता हूँ या 5 को बिठा देता हूँ तो क्या होगा, बैठने में तकलीफ होगी, हो सकता है कि एक आइटम निकल जाए, उड़ जाए, एक बंदा उड़ जाए, बोले यार नहीं बैठने से अच्छा मैं खड़े रहूँ, राइट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर वो लोग स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पर वही बात है कि अरेंजमेंट सही नहीं है, इसके वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी नहीं होती, यहाँ पर अरेंजमेंट सही है, इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या होती है, मोर होती है, मोर स्टेबल और लेस स्टेबल, ठीक है।
लास्ट एग्जांपल एग्जांपल ऑफ व्हाट क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल क्या है हमारा, कुछ जैसे एग्जांपल स्टार्ट में बता दिया, क्वार्ट्ज है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, क्वार्ट्ज डायमंड एंड देन मैं बोलूंगा तो हमारा NaCl एक्सेट्रा, दीज आर एग्जांपल ऑफ व्हाट क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एमोक्सिकल के एग्जांपल देखेंगे तो ग्लास, ग्लास बच्चे लोग कन्फ्यूज होते हैं, ग्लास जो है नॉर्मली बच्चों को लगता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं, ग्लास जो है वो तो एमोर्फस होता है, क्योंकि ग्लास को अगर तुम बारीक उसको ग्राइंड करोगे तो ग्राइंड करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि वो क्या होता है, उसमें कोई शेप नहीं रहता, तो इसका मतलब हमारा पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। तो ग्लास जो है हमारा क्या है, एग्जाम्पल ऑफ व्हाट एमोर्फस सॉलिड है, ठीक है, ग्लास एग्जाम्पल है। उसके बाद कोल्टार है, डाम्बर, डाम्बर जो है एग्जाम्पल किसका है, एमोर्फस सॉलिड का है, रबर, रबर इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट एमोर्फस सॉलिड एक्सेट्रा, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट व्हाट एमोर्फस सॉलिड, ठीक है, कोई डाउट, ठीक है, लिख लो। ओके नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है, एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी, जिसे हमने बताया था अभी मैंने कि क्या होता है बताऊंगा और फिर हम रुक जाएंगे। तो एनिसोट्रॉपी क्या होती है, एनिसोट्रॉपी राइट, एन आइसोट्रॉपी भी बोलते हैं इसको। तो एनिसोट्रॉपी जो है हमारा क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट, क्योंकि प्रॉपर अरेंजमेंट होने की वजह से क्या होता है, इफ यू सी कि मैं अगर इसमें अलग अलग डायरेक्शन में ऐसी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो रेज पे डिपेंड करती है, इस पर डिपेंड करती है रेज पे, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं हम लोग, उसमें जो सॉलिड है उसमें से हम लोग रेज पास करते हैं और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसी प्रॉपर्टी जो रेज पे डिपेंड करती है, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर होगा क्या कि अगर मैं ऐसी प्रॉपर्टी जो रेज पे डिपेंड करती है वो प्रॉपर्टी की वैल्यूज डिफरेंट डायरेक्शन से निकालूंगा तो डिफरेंट वैल्यू मिलती है, राइट ना। तो इस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की इस एबिलिटी को बोलते हैं एनिसोट्रॉपी। इट इज एबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज एबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड टू चेंज द वैल्यूज ऑफ व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टी व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन से हम लोग मेजर करेंगे तो अलग अलग फिजिकल वैल्यू आती है किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से अगर मेजर करूंगा तो इसका समझो एग्जाम्पल 1.8 आया, राइट ना, 1.8 आया, यहाँ से किया तो क्या आएगा 2.8 आ जाएगा, यहाँ से किया तो क्या आएगा 1.3 आएगा। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एग्जाम्पल देंगे तो हम लोग अलग अलग जगह से अलग अलग मिलेगा, क्लियर हम लोगों। तो क्यों अलग अलग मिल रहा है, बिकॉज वहाँ पर एटम्स अलग अलग, यहाँ पे देखो एक अनायन, एक कटायन, एक अनायन, एक कटायन, ऐसा मिल रहा है, यहाँ पे सब अनायन मिल रहे हैं, यहाँ पे सब अनायन मिल रहे, बिकॉज सेम एटम्स नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या रहेंगे, डिफरेंट आती है। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड टू शोज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी व्हेन मेजर्ड इन फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में से हम लोग मेजर करेंगे तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है डिफरेंट आती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनिसोट्रॉपी। और आइसोट्रॉपी क्या होता है, उसका अपोजिट रहेगा कि वैल्यू क्या होती है, कहीं से भी वैल्यू मेजर करेंगे तो क्या आएंगे, सेम आएंगी, तो ये हो गया आइसोट्रॉपी। तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, राइट ना, बेल आइकन जिसने नहीं दबाया तो दबा दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।